शहर की स्मार्ट सिटी की सूची में आगरा शहर शामिल हो चुका है। नगर निगम की लाखों रुपए की लागत से शहर के पर्यटक स्थलों के मुख्य मार्गों पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। ताजमहल के पश्चिमी गेट की ओर जाने वाले मार्ग पर लाइट, फुटपाथ और सड़क निर्माण कराए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी की सूचियों में शामिल आगरा शहर को और स्मार्ट बनाने के लिए दिन और रात युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। हम मौजूद हैं ताजमहल की ओर जाने वाले पश्चिमी रोड पर, जहां आप देख सकते हैं यहां पे ये जो फुटपाथ का कार्य जोर शोर से चल रहा है। यहां पे जो मजदूर हैं और जो पत्थर लगे हुए हैं उन पे सीमेंट लगाने का कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर बीते 2 महीने से ये कार्य चल रहा है। यहाँ पर लाइटिंग, रोड और फुटपाथ का काम किया जाएगा। यहाँ पर ठेकेदार हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ कितने समय से ये कार्य चल रहा है और अभी कब तक चलेगा। हाँ, आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र है। अच्छा। मैं ये काम देख रहा हूँ और मेरे देख रहे मैं नाला प्लस लाइटिंग और ये मार्बल पत्थर का काम चल रहा है और होने वाला है, अब तो एंड हो गया। तो ये स्मार्ट सिटी के तहत किया जा रहा है ये कार्य, लाइटिंग, रोड और इसके अलावा क्या क्या रहेगा और ये कब तक? नाला है, रोड है, ये कवर स्टोन है, फुटपाथ का पूरा काम और प्लस दीवारों का काम जो भी है पूरा। कब तक पूरा होने की संभावना है इसका? ये बस इस रोड पे तो ज़्यादा 8-10 दिन लगेंगे, ख़त्म एंड सफाई करके दे दिया जाए। अच्छा, तो स्मार्ट सिटी के तहत ही ये सारा कार्य किया जा रहा है? सारा काम स्मार्ट सिटी के तहत ही होगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ताजमहल की ओर जाने वाला पश्चिमी मार्ग है, यहाँ पे जोर जोर स्तर से युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है और ये ठेकेदार थे, इन्होंने बताया यहाँ पे फुटपाथ के अलावा रोड, लाइटिंग और यहाँ पे जो रखरखाव है और भी जो छोटे मोटे कार्य हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे इन ठेकेदार के द्वारा किया जाएगा। ताजमहल के पश्चिमी गेट से अपने सहयोगी सोनू कश्यप के साथ शैलेंद्र की रिपोर्ट।